से हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन मानवता की विचारधारा एक ही होती है, लोगों की सेवा करना। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूँ भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त नेहरू नगर में, और यहाँ पर नेहरू नगर में जैसे अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन के तरफ से दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर वितरण किया जा रहा है, तो हमारे साथ अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन के जो संस्थापक है अश्विन सर मौजूद है। सर स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में जो आपने आयोजन किया है यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उन लोगों तक पहुँचाई जा सके, सही लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचाया जा सके। दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर्स की ज़रूरत होती रहती है। हम लोग कई महीनों से ये ट्रैक कर रहे थे कि किन किन लोगों को ज़रूरत है, कितने लोगों को ज़रूरत है, और फेजेस में हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सही लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचा रहे हैं। सर जैसे लॉकडाउन में भी हमने देखा कि अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन की तरफ से, आपके संस्था की तरफ से बहुत से लोगों को रोज़गार दिलाया गया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, क्या हो गया, पैंडेमिक की वजह से कई लोगों की जॉब्स चले गई, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है, कई लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई है। तो ये प्रॉब्लम्स को जब तक बाकी लोग सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सॉल्व करने के लिए नहीं उतरेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमने पूरा जब से लॉकडाउन हुआ था मार्च अप्रैल टाइम में लास्ट ईयर से, तब से सैकड़ों लोगों की हमने वापस नौकरियाँ लगा के दी है, उनके कई सारे व्यवसाय हमने शुरू करा के दिए है, दुकानें शुरू करा के दिए है, और ये करने का हमारा मकसद यही है कि हर घर में एक अर्निंग मेंबर होना चाहिए, एक बंदे के पास नौकरी या उसका व्यवसाय चलते रहना चाहिए। इसी मिशन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर फिर भी कितने लोगों को रोज़गार दिलाया गया, मतलब एक अंदाज़ा, जैसे आपके संस्था लगातार हर मुंबई के हर विभिन्न क्षेत्र में जो रोज़गार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, तो कितने लोगों को रोज़गार दिलाया गया है सर? हम लोग अभी तो शुरू हमने काम मुंबई से किया था, मुंबई में हमने सैकड़ों लोगों को अराउंड 500 से 600 लोगों को नौकरियां लगा के दी है, और अभी हमने पिछले कुछ महीनों में ये स्कोप पूरे महाराष्ट्र में एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि रूरल एरिया में छोटे शहरों में जो लोग हैं उनके भी व्यवसाय बंद हो गए, उनकी भी नौकरियां जा चुकी है, तो हम उनके लिए भी अभी कोशिश कर रहे हैं। तो ये नंबर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब्स, परमानेंट जॉब्स, सारे तरह के ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स सारे पकड़ते, तो हमने 1000 से ज़्यादा लोगों तक अपना बेनिफिट ये पहुँचाया है। सर जैसे रोज़गार का आपने किया तो बहुत ही अच्छा मुहिम था, सर शिक्षा पे क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा पे किस तरह से काम कर रही है आपके सर? शिक्षा में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है पिछले एक साल में, वो ये है कि जो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे थे वो तो ऑनलाइन एजुकेशन करके अपना उनका एजुकेशन कंटिन्यू रह रहा है, उनकी शिक्षा कंटिन्यू रह रही है, लेकिन जो स्लम एरिया में लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके घर में कई बार स्मार्टफोन नहीं रहता, कंप्यूटर नहीं रहता, लैपटॉप नहीं रहता, या 3 बच्चे हैं और एक ही लैपटॉप है और एक ही टाइम पर सबके क्लासेस होनी है, कई सारे बच्चों की एजुकेशन रुक गई है। तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जिन लोगों की एजुकेशन शिक्षा इस तरह से रुकी हुई है उन लोगों की शिक्षा कंटिन्यू हो। हम लोग कुछ सेंटर सेटअप करते हैं जहाँ पे बच्चे आकर सुबह के टाइम पे अपने क्लासेस अटेंड कर सके। हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं से मोबाइल्स और टैबलेट्स डोनेट करके हम स्लम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इस तरह की हमारी कोशिश चलती रहती है। प्लस हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे जनधन अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस का, लोगों को अभी पता चल रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस का कितना महत्व है अपनी ज़िंदगी में, कभी भी बीमारी आ सकती है, कभी भी हॉस्पिटल बिल्स बढ़ सकते हैं। सो हम लोग हमारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों तक हमने ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पहुँचाई है, उनका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम हमने स्पॉन्सर करके दिया हुआ है, और वो ड्राइव्स अभी भी चलते ही जा रही है। सर आगे और क्या जैसे कार्यक्रम का आयोजन रहेगा आपकी संस्था की तरफ से, जैसे कोरोना महामारी में तो आपकी संस्था ने बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए, तो आगे क्या कार्यक्रम रहेगा सर? आगे अभी हम लोग बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने देखा कि ये सारे कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा है, तो कई बार हम लोग अपना जो स्कोप है वो वाइडन करते रहते हैं। नौकरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज, तो नौकरी के ऊपर हमारा एक बहुत मेजर फोकस रहने वाला है, प्लस इंश्योरेंस, लोगों तक इंश्योरेंस पहुँचा सके, इसके लिए हम लोग ये दो की फोकस हमारे रहने वाले हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे अश्विन सर, जिन्होंने पूरे विस्तार में बताया किस तरह से अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे साथ हेमंत सर है जो रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, और अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन के साथ सहयोग और रोटरी क्लब के साथ से यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हम हेमंत सर से जानेंगे डिटेल में, विस्तार में, किस तरह से आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया और किस और कौन से क्षेत्र में यहाँ पर रोटरी क्लब की तरफ से कोरोना महामारी में कार्यक्रम किया जा रहा है। सर स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में जो यहाँ पर कुर्ला नेहरू नगर में आज अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन के सहयोग से रोटरी क्लब के साथ में मिलकर जो कार्यक्रम का आयोजन किया है? जी, आज जैसे आपको विदित है कि आज यहाँ कुर्ला नेहरू नगर में ये कार्यक्रम हुआ है, और हमारे मित्र अश्विन मेश्राम फाउंडेशन की भी सहयोग यहाँ रहा है,
और जैसे कि आपको मालूम है रोटरी क्लब का सहयोग तो है ही, और हमने ऐसा तय किया था कि रोटरी क्लब की तरफ से कि 100 व्हीलचेयर का कार्यक्रम किया जाए, और लेकिन बड़ा कार्यक्रम हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल है। तो हमने फिर नक्की किया कि क्यों ना लोगों के बीच में जाया जाए, अलग अलग एरिया जो हमारे ज़िले में, कम से कम हमारे ज़िला बहुत बड़ा है, समझो कुरला, चांदीवली, पारला, पवई और कलीना से लेके सांताक्रूज से लेके, तो हम ऐसा नक्की किया कि हम अलग अलग एरिया में जाएंगे। उसकी तरफ भी पारला में एक कार्यक्रम हमने किया, आज कुरला में है, और आगे भी 15 दिन 20 दिन में हम अलग अलग जगह पे जाके लोगों के बीच में जाके ये कार्यक्रम करेंगे। सर अब तक कितने लोगों को व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे नेहरू नगर में आज है, विले पार्ले में प्रोग्राम किया गया है, तो कितने लोगों को व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया सर? वैसे देखा जो रोटरी से तो हज़ारों किया है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम हमने चालू किया है वहाँ पे हमने वो 15-20 पहले किया, आज 10 किया, और ऐसे 10 या 15 से हम लोग आगे 100 तक पहुँचेंगे। मतलब आगे और भी लोगों को यहाँ पर व्हीलचेयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा मुंबई में जैसे? यस, जैसे बताया ना 100 तक जाना है। यस 100 तक। धन्यवाद। जैसे हम यहाँ पर मौजूद है अश्विन मलिक मिश्रम फाउंडेशन की तरफ से, यहाँ पर जो दिव्यांग को व्हीलचेयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो हमारे साथ उनके नगर सेवक भी मौजूद है अशरफ आजमी जी। अशरफ आजमी जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, जैसे जो आयोजन किया गया है यहाँ पर? नेचुरली देखिए, ऐसा है कि अश्विन मलिक फाउंडेशन पिछले 1.5 वर्षों से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से, जिस प्रकार से इन्होंने समाज के निचले तबके के लिए बहुत से ऐसे ड्राइव रखे, इससे पहले हम लोगों ने जॉब ड्राइव किया, इससे पहले वुमेंस के लिए सैनिटरी पैड वगैरह का ड्राइव किया, और अब जाकर ये जो व्हील चेयर का, मैंने व्हील चेयर का जो ड्राइव हुआ, मेरे इलाके के कुछ लोग थे जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत थी, तो इस तरह के ड्राइव जो हो रहे हैं, और स्पेशली जो जॉब ड्राइव हो रहा है, मैं इनके साथ एक लिंक से कनेक्टेड हूँ, एक व्हाट्सएप से कनेक्टेड हूँ, जिसमें मुझे डेली अपडेट आती है कि किस इलाके, किस तरह की जॉब्स का रिक्वायर्ड है, और उस तरह के लोग अगर हैं तो वो जॉब को पा सकते हैं। तो जहाँ सरकारें नाकाम हो गई हैं, वहाँ अगर एनजीओज इस तरह का काम करती हैं, और मैं तो मैंने भी प्रेरणा ली है इनसे, क्योंकि ये तो कुछ चाहते भी नहीं हैं, सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करें, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और भी, और हम जैसे लोग, हम जैसे मतलब मुंबई शहर में जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे जुड़ने के बाद जो है आप बड़ी आसानी से नीडी पीपल्स की तरफ पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए मैं और भी जो एनजीओज हैं उनको भी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आप अलग अलग जगह पे नगर सेवक, MLA, MPs से मिले, और उसके लेवल पर जाकर जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले, और उसके लेवल पर जाकर आप समाज के निचले तबके के लिए अगर काम करते हैं तो आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें, अब आज की ज़रूरत सबसे बड़ी ये है कि हमको बड़े पैमाने पर मास्क जो है, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि उसको लेकर एक गरीब आदमी जो है वो जब काम नहीं रहेगा तो वो खरीदेगा कहाँ से, और फिर बाहर भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आज जो है डिक्लेयर हो गया है एक इसमें कि भाई 500 रुपया फ़ाइन मारा जाएगा। तो इसलिए मेरा ऐसा आह्वान है कि, निवेदन है कि आप जो है ज़्यादा बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलकर इस तरह के ड्राइव, इस तरह के काम कर सकते हैं, और वो सही में उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत और आवश्यकता है। सर जैसे आप वार्ड 167 के नगर सेवक हो, और अभी 165 के नगर सेवक हो, और जैसे आपके क्षेत्र में जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया, तो कोरोना नियंत्रण पर किस तरह से काम किया जाए? देखिए, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, मुझे याद है, मैं इस बात के लिए मतलब बड़ा ये महसूस करता हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से लेकर, तो जब मुंबई शहर में ना के बराबर कोरोना के पेशेंट रह गए, तब तक हम सड़क पर रहे, बहुत बेशुमार लोगों को हमारे इलाके से उनको अपने घर भेजा गया, गांव भेजा गया, खाने डिस्ट्रीब्यूशन हुए, राशन्स 12,000 फैमिलीज़ को दिए गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तब हमको ये मालूम ही नहीं था कि एक्चुअली हमें करना क्या है, हम कभी थाली बजा रहे थे, कभी ताली बजा रहे थे। आज हमको ये बात मालूम पड़ गई है कि आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, आपको हाथ धोते रहना है, और आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करना है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं, और अब तो सबसे बड़ी बात ये आ गई कि आज हमारे पास वैक्सीन्स भी हैं, जो आज से 1 अप्रैल के बाद से 45 साल से ऊपर के तमाम लोग लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करना चाहिए, और जो बाकी है, हाथ धो या सोशल डिस्टेंसिंग रखो या मास्क लगाओ और सैनिटाइजर करो, इस तरह की चीज़ों को आपको साथ में करना चाहिए।
सर, उत्तर मध्य मुंबई जिला, जैसे कांग्रेस के उत्तर मध्य मुंबई जिला कांग्रेस में नया बदलाव आया है, जो नया जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया और नए अध्यक्ष के साथ दो कार्य अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बदलाव के विषय में? देखिए, कैसा है कि हर पार्टी जो है वो अपने अपने तरीके से अपने संगठन में अपने इस तरह की चीज़ों में वो बदलाव लाती है और बदलाव करती है। नेचुरली ये जो आज हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी और कार्य अध्यक्ष हमारे जो हैं, ये दोनों लोग मिलकर जो जिस तरह से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को एक फार्मूले को अडॉप्ट किया है मुंबई शहर में, मुझे यकीन है कि सभी जमात और जात के और धर्म के लोगों को नुमाइंदगी देने की कोशिश की है उन्होंने। वो इसलिए कि उनके ज़रिए, उनके माध्यम से उनकी कम्युनिटी के लोग, उनके समाज के लोग पार्टी से जुड़ सकें, उनको उस पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में मालूम हो सके। तो एक बड़ा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुंबई शहर को दी है, और वो दी है कि आप अलग अलग तरीके से अपने लोगों को लाकर पार्टी के कार्यक्रमों से अवगत कराकर निचले तबके के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और पार्टी के जो ये है विचारधारा है उसको नीचे तक पेनिट्रेट करने के लिए ये काम किया है, उसके लिए वो काम सराहनीय है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मनपा के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में आपको इसका जो असर है वो दिखेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अशरफ आजमी जी, जिन्होंने पूरे विस्तार में बताया आज के कार्यक्रम के बारे में और कुछ विषय पर हमारे उनके साथ में चर्चा हुई। नितिन के साथ मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।